अब अच्छा, अब तो अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बात करनी है। किस पे बात करनी है अपने को? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो अभी तक एक्सपोनेंशियल चल रहा था, जरा लिख देते हैं कि भाई किस पे बात करनी है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। फिर से वही एक छोटी सी बात से हम स्टार्ट करेंगे। क्या छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? और चेक करते हैं लॉग बेस टू, अच्छा लॉग बेस टू वन, लॉग बेस टू टू, लॉग बेस टू फोर पे बताओ इनइक्वालिटी किधर लगेगी। इनइक्वालिटी की वैल्यू किधर, किधर साइड में इनइक्वालिटी लगेगी? पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या? जीरो। इसकी वैल्यू क्या? वन। इसकी वैल्यू क्या? आपको पता चल रहा होगा टू। देखो तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, आपका इनइक्वालिटी इधर लगा। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज चेंज करता हूं। जरा देखो, अभी मैंने किया लॉग बेस हाफ वन, लॉग बेस हाफ टू, लॉग बेस हाफ फोर। अब जरा बताओ तो इनइक्वालिटी किधर लगेगी? जरा बताओ तो इसकी वैल्यू कितना? तो वन देखते ही सर जी, वन देखते ही तो हमारे में एक नशा छाता है, और नशा हो जाता है जीरो का। किसका? जीरो। ये वन बाय टू है, ये टू है, ये वन बाय टू टू क्या करेंगे? वन बाय टू टू क्या करेंगे बोलो? ये टू की, अरे कुछ भी समझ लो, यहाँ पे टू की पावर माइनस वन होगा, ये माइनस वन इधर आ जाएगा, यानी यहाँ इसकी वैल्यू हो गई माइनस वन, या यहाँ पे टू की पावर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे टू की पावर टू बराबर करने के लिए इधर टू की पावर माइनस वन, क्या वैल्यू दे दिया ये? माइनस टू। अरे ये तो बहुत बार कर चुके ना बच्चों। जरा बताओ इस बार कौन बड़ा? सबसे बड़ा जीरो है क्या? मतलब जीरो होके भी सबसे बड़ा है क्या? तो वो हो इस बार इनइक्वालिटी इधर, ओ हो 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 हो, इनइक्वालिटी इधर लग गया। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर फिर से मैंने क्या कहा, लॉग में और एक्सपोनेंट में दोनों में जो बैरियर होता है वो होता है वन। क्या होता है? वन। देखो वन से बड़ा अगर बेस है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये सब क्यों ऐसा सर? ऐसा कोई पूछ देगा किसी के मन में, ये दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है? आप क्यों ऐसे बता रहे हो सर, एग्जांपल लेके बता रहे हो, आप क्यों नहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हो जिससे कि हमको फील आ जाए? तो वो फील ले आने के चक्कर में हम क्या करेंगे कि अपने पूरे इस जो समझने वाली बात है, जो करने सवाल करने वाली बात है, उसको बर्बाद कर डालेंगे। तो बर्बाद करने के बजाय जो क्यों ऐसा होता है वो आपको धीरे धीरे थ्रू आउट 11th के दौरान और 12th के पहला लेक्चर जब फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि आपका बेस एक से ज्यादा होने पे या बेस एक से कम होने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल रही है। जरा देखो, बेस एक से ज्यादा है तो ये वन टू थ्री जिधर साइड में, वो जिधर साइड में बढ़ रहा है उधर साइड में इनइक्वालिटी लग रही है। अगर बेस एक से कम है तो अगर संख्या ऊपर वाली बढ़ रही है तो इनइक्वालिटी दूसरी साइड में, यानी घट रही है इनइक्वालिटी। बेस एक से कम, बेस एक से कम तो इनइक्वालिटी, बेस एक से कम तो इनइक्वालिटी उल्टा, और बेस एक से ज्यादा तो इनइक्वालिटी सीधा। यही को बेसिक्स बेसिक मानते हुए आगे मैं आपको बात लिख देता हूं कि इफ, नोट करने वाली बात, इफ पहली बात इसमें, इफ ए ग्रेटर देन वन, देन लॉग बेस ए एक्स एंड लॉग बेस ए वाई। तो अगर ऐसा है, ये ऐसा है, दिस इंप्लाई देन की बजाय यहीं पे लिखता हूं एंड, एंड लॉग बेस एक्स अगर ऐसा है तो आप लॉग हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, वही का वही रहेगा। क्यों? कब? जब बेस एक से ज्यादा होगा। और दूसरा, इफ ए लेस देन जीरो, यानी बेस एक से कम, एक्स लेस देन वन, लेस देन वन एंड लॉग बेस ए एक्स लेस देन लॉग बेस ए वाई है, तो अगर आप यहां से बेस यानी लॉग को आप हटाते हैं तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ध्यान रहे, यहां से ये आते समय और यहां से ये आते समय आपको ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, तीसरी नंबर की बात देता हूं कि इन द क्वेश्चन ऑफ लॉग, पूरे जितना मैंने लिखा हुआ है उसका एक ही बार में लब्बो लबाब लिख देता हूं कि इन द क्वेश्चन ऑफ लॉग, फर्स्ट चेक व्हाइल रिमूविंग ऑफ लॉग, क्वेश्चन ऑफ लॉग फर्स्ट चेक बेस। पहले क्या चेक करना है अपने को? बेस। इफ
बेस ग्रेटर देन वन देन देन वाइल रिमूविंग लॉग देन वाइल रिमूविंग लॉग जिस समय लॉग को रिमूव करेंगे रिमूविंग लॉग डोंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डोंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब आपकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वही का वही रहने दे अगर आपका बेस एक से ज्यादा है तो अगर यहीं पे इफ बेस लेस देन वन है देन वही सारी बातें देन वाइल रिमूविंग लॉग क्या करेंगे भाई रिमूविंग लॉग चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां पे लॉग लिखा है यहां भी रिमूविंग लॉग चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसका क्या मतलब होता है कि लेस देन ग्रेटर देन बदल जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन बदल जाएगा जैसे आओ एक एग्जांपल पे हम बात करते हैं ये ऐसे कैसे रहने देते हैं इधर आओ हम दोबारा एक एग्जांपल देख रहे हैं क्या करना है कैसे सवाल मतलब कैसे पूछेगा इस बात पे सवाल कैसे पूछेगा जैसे सवाल पूछा आपके सामने सवाल दिया कि लॉग बेस 3x² x - 2 एंड लेस देन log base 3 या log base 9 आपका log base 9 यहां पे लिखा है 4 - x find x वो x चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो आगे बात समझ में तो आप देखो ये सवाल आपका वो सवाल कहलाएगा जिसमें कि हम कुछ बातें अभी हम चेक नहीं करेंगे जैसे अभी हम थोड़ा सा पहले हमने क्या हम बोल रहे हैं पहले इसका बेस चेक बराबर कर लेते हैं ये बेस 3 है एक्स माइनस 2 है लेस देन है लॉग बेस 9 है और ये 4 - इसको मैं 3 ही करता हूं अभी भी 3 ही रह लेता हूं 3 ये 4 - x अब एक बात बताओ क्या करें क्या ये बताओ यहाँ पे बेस दोनों का बेस सेम है पहले तो क्या करेंगे बेस सेम करेंगे तो बेस सेम हो गया बेस इक्वल टू 3 और ये एक से ज्यादा है तो अब लॉग हटाएंगे यानी रिमूव लॉग लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से x माइनस 2 लेस देन क्योंकि एक से ज्यादा है तो ये 4 - x x इधर आ गया इधर हो गया आपका 2x = 6 ये 2 + 4 = 6 यानी x लेस देन आ गया आपको 3 x लेस देन 3 यानी x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक पर आपसे एक सवाल लगेगा कि सर आपने एक बात कहा था कि सर अगर मैं यहां पे माइनस इनफाइनाइट से 3 तक कोई वैल्यू लेता जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ले लिया 0 ले लिया क्या ये लॉग के अंदर क्या हो गया निगेटिव सर आप पहले दिन बोले थे कि लॉग जो है कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव नंबर लिखता है मतलब लॉग लिटरली पॉजिटिव चीज है तो क्या सर ये जो आंसर आया है ये सही है हम इस बात को कैसे माने कि ये बात सही है कि जो आंसर आया हुआ है सही है या गलत कैसे हम पता करेंगे तो इसके लिए बच्चों हमको एक काम करना होगा अब जरा देखो मैं इधर हटाता हूं कि ये सवाल में तो सिर्फ आप लॉग हटाते समय इनइक्वालिटी आपने ये लगा दिया बट ये आंसर नहीं होगा दिस इज नॉट आंसर आपने सिर्फ यहां ये सीखा कि आपने आपका बेस एक से कम था बेस एक से ज्यादा था तो हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया लॉग हटाते समय सिर्फ ये सीखा आंसर क्या होगा सर फिर अगर ये आंसर नहीं है तो आंसर क्या होगा तो आंसर के लिए सबसे पहले आप कुछ बातें सीख लेते हैं आंसर के लिए सबसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जरूर पढ़ रहे हैं पर कुछ पहले बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ते हैं क्या होगा सर बेसिक ऑफ लॉग जैसे क्या मैंने क्या बताया था आपको कि लॉग बेस ए एन एग्जिस्ट कब करता है भाई एग्जिस्ट का मतलब मैंने बोला था जिंदा रहना कब जिंदा रहता है कब ये जिंदा रहता है इसका मतलब होता है जिंदा रहना जब जब लॉग जिंदा रहेगा
जब लॉग जिंदा रहेगा तभी तो अपनी वैल्यू देगा। तो लॉग जिंदा कब होता है, उसके लिए तीन बातें होती हैं कि जो ये एन है यानी यहां पे जो नंबर है वो पूरी तरह से पॉजिटिव, एंड ये एंड देखो एंड लिख रहा हूं, ए जो है बेस इसका जीरो से बड़ा एंड ए की वैल्यू बेस इसका एक से एक के बराबर नहीं। ये तीन बातें रहती हैं। कौन तीन बातें? पहली बात एन ग्रेटर देन जीरो, दूसरी बात ए ग्रेटर देन जीरो, तीसरी बात ए नॉट इक्वल टू वन। और इन तीनों का एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और जो ये इंटरसेक्शन आया है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आया है, इसका ये जो इंटरसेक्शन आया है इसका इंटरसेक्शन और जो इधर से सवाल का आंसर आया इसका इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन करेंगे तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ सर अब हम बता सकते हैं कि इसका कितना आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन। तो अभी हमको अभी अपने को पकड़ छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। क्या कि अभी लॉग की वैल्यू क्या पकड़ के रखना है बच्चों, लॉग की वैल्यू जो हमने निकाला है तो लॉग का एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग के लिए नहीं, ऑलवेज चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग। पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग की बात करेंगे। जरा बताओ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग के लिए, देखो पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मान लो लिखा है लॉग बेस 3x माइनस 2 तो फाइंड x, x क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि पहली बात क्या जान रहे हैं कि जो यहाँ पे n है n ग्रेटर देन जीरो होता है, दूसरा a ग्रेटर देन जीरो होता है, तीसरा a नॉट इक्वल टू वन होता है। n ग्रेटर देन जीरो का मतलब x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, यहां से मिला x ग्रेटर देन टू। यहां से जरा बताओ a की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है? ये तो सही बात है, तो हमें सोचना ही नहीं है। ए मतलब आपका 3 है, 3 नॉट इक्वल टू 1, ये भी सही है, सोचना ही नहीं है इसके लिए कि मतलब 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, 3 एक के बराबर नहीं है। तो ये दोनों बात सही है, सिर्फ यही इस बार आंसर हो जाएगा। देयरफॉर x की इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग टू 2 से बड़ा, मतलब 2 से इंफिनिटी। ये तो एक बात हुई, अभी ये बात खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ आपको एक बात हुई। क्या सर और भी सवाल ऐसे बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, अभी तो अभी लॉग के एग्जिस्टेंस वाली बात चल रही है ना, तो अभी तो बहुत सवाल बनेंगे। और सवाल करते हैं इसके ऊपर, और क्या सवाल बनेगा, और क्या सवाल बनेगा इसके ऊपर, आओ जरा देखते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग सच दैट log 3 माइनस एक्स और x माइनस 1 एग्जिस्ट। आपको वो x बताना है जिसके लिए ये log क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। कौन सी बड़ी बात है, अपन लोग तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर जी, कैसे निकालें? जरा देखो, पहले ये लिखा है log बेस 3 माइनस एक्स x माइनस 1, तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्ट के लिए कितनी तीन बातें होनी चाहिए थी सर जी। पहली बात क्या होनी चाहिए थी कि पहला n की वैल्यू, ये वाला n की वैल्यू should be greater than 0, this imply x minus 1 should be greater than 0, this imply x greater than 1, this imply, अब बताओ क्या मैं 1 से लेके इन्फिनिटी लिख सकता हूँ क्या? अरे बच्चों बोलो, नहीं लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ? दूसरा ये 3 minus a greater than 0, a मतलब 3 minus x greater than 0, बोलो बच्चों क्या यहाँ से मैं एक minus कॉमन करूँगा क्या, x minus 3 लेस देन जीरो करूंगा क्या, क्या ये माइनस इधर भेजते ही ये एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, सॉरी कहां से उल्टा हो गया, ये ग्रेटर देन ही जीरो रहेगा। अब यहां से जता दो तो ये लेस देन जीरो हो गया क्या? देखो अभी भी ये ग्रेटर देन जीरो, लेकिन अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया लेस देन जीरो, यानी ये आया एक्स लेस देन 3। जरा देखो तो नंबर लाइन 3 से पीछे, लेस देन का मतलब 3 से कम, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक चला गया, बोलो बच्चों माइनस इनफाइनाइट से 3। तीसरा क्या था ए नॉट इक्वल टू 1, ए का मतलब कितना है 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, देखो 1 इधर आएगा 2 उधर, एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो एक्स 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए तो होनी क्या चाहिए,
फिर उसकी वैल्यू होगा कितना, कितना होगा, टू को छोड़ के दुनिया के सारे नंबर्स ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा तो अगर ऐसा है सर तो अब इन तीनों का क्या करना होगा, हमने क्या कहा था इन तीनों का क्या करना है भाई, बोलो बच्चों, इन तीनों का इंटरसेक्शन कैसे निकाला, इंटरसेक्शन देखो मैंने क्या कहा था, नंबर लाइन एक खींच लेना, एक नंबर लाइन खींच लेना, यहाँ पे आपका माइनस इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट हो गया। इस बार हमको तीन कलर के चाक की जरूरत पड़ेगी तो तीन कलर का चाक ले लेते हैं। और जरा बताओ क्या है, पहला एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा, एक से ज्यादा, पहली बार बोला है कि एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा, कहीं यहाँ एक है, एक से ज्यादा का मतलब एक से बड़ा नंबर इधर जाएगा, क्या ये लहराते हुए निकल गई, लहराती हुई। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि तीन से छोटा, यहाँ कहीं तीन है क्या, देखो तो एक्स लेस देन तीन, तीन से छोटा, दूसरे कलर का चौक यूज कर रहा हूं, तीन से छोटा, देखो फिर से लहराते हुए निकल गया ये। तीसरा क्या कह रहा है कि ये दो नहीं चाहिए, तीसरा व्हाइट कलर का चौक यूज कर रहा हूं, तीसरा दो नहीं चाहिए, मतलब दो पे ओपन लगेगा, बाकी इन सब पे भी ओपन लगा ही है क्योंकि कहीं पे क्लोज इंटरवल तो है नहीं, तो इन सब पे भी ओपन लगा है। कह रहा है कि दो नहीं चाहिए तो बाकी क्या चाहिए क्या, तो इसको छोड़ के सब ले लो ना सर जी, इसको छोड़ के सब ले लो ना सर जी। देखो देख लो बच्चों, फिर से दोबारा बनाता हूं, दोबारा बनाता हूं इसी चीज को, देखो अगेन, देखो भाई, देखो मैं एक बार के बजाय आपको 10 बार एक ही चीज समझा सकता हूँ, बट तब तक आपको समझ आना चाहिए, एक बार के बजाय मैं वही चीज को 10 बार अलग अलग तरीके से समझा सकता हूँ, तो आपको समझना है वही बात। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बस समझ में आना चाहिए, चाहे आप मेरा जितना चाहे उतना दिमाग खा सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। पहली बात बोला है x की वैल्यू एक से बड़ी, पहला बोला है कि x ग्रेटर देन वन, या इसी को लिखा गया है x बिलोंग टू वन टू इनफाइनाइट, इसी को लिखा गया है। तो यहां कहीं वन है, वन से बड़ा तो इधर सब चला गया पूरा इनफाइनाइट तक, वन पे ओपन लगा है तो ये हो गया हॉलो सर्कल लगा दिया, आपको याद होगा ये ओपन का निशानी होता है। दूसरा कह रहा है कि x लेस देन तीन, यहां कहीं आपका तीन है ये, इसके कह रहा है कि लेस देन तीन का मतलब तीन से पीछे, तीन से क्या पीछे। तीसरा कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू टू, मतलब यहां कहीं टू है और टू नहीं चाहिए, टू वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि टू नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या, तो इसके आगे का सब कुछ चाहिए और इसके पीछे का भी सब कुछ चाहिए, किसको छोड़ के, बस टू को छोड़ के। अगली बात समझ बच्चों, टू को छोड़ के सब कुछ आगे और पीछे का चाहिए। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हर जगह कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है कहीं एक भी जगह वो चीज प्रेजेंट हो तो यूनियन कहलाएगा। तो अपने से क्या मांग रहा है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जो तीनों जगह मिलता हो, और तीनों जगह मिलने का मतलब मैंने ऐसे बनाया इसीलिए है कि मैं क्लियरली हमको हमारे नजरों से दिख जाए कि कहां पे तीन लाइन अवेलेबल है, तीन चीजों के बारे में हमने बात किया है कि कहां पे तीन लाइन अवेलेबल है। देखो क्या इधर में तीन लाइन अवेलेबल है, नहीं, क्या यहाँ पे अवेलेबल है, वन पे अवेलेबल तीनों लाइन नहीं है, ये है ये है लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन वन से आके देखो तो वन से आगे ये भी है ये भी है ये भी है, व्हाइट पिंक येलो तीनों है, दो पे एक्जेक्ट दो पे व्हाइट नहीं है लेकिन येलो और पिंक है, तो हमें तीनों चाहिए, हम छोड़ देंगे। कहां से कहां तक मिला, पहला वन से लेकर टू तक वन और टू दोनों शामिल नहीं है, फिर आगे टू से स्टार्ट किया, टू से देखो येलो है पिंक है और ये आपका व्हाइट तीनों है, तो यूनियन, फिर टू से लेके कहां तक तीनों है, तीन पे ओपन, क्या यहां से इसके आगे जरा देखो तो बस दो है, बात समझ में आई, तो ये इसका आंसर होगा। क्या आंसर आया, क्या समझ में आया बच्चों आपको, कि पहले लॉग के एग्जिस्टेंस का सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग के एग्जिस्टेंस का सॉल्व करने के बाद लॉग की इनइक्वालिटी जो अभी हम पीछे बताए थे उस पर अभी आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, पहले कुछ एक सवाल और इस पर कर लेते हैं फिर लॉग की इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे। जरा एक आध सवाल और करते हैं, जरा आओ बच्चों, आहा तो आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या है अपना अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा जैसे यही सेम इसी टॉपिक ऐसे ही सवाल में एक और देता हूं कि पहले तो वो एक्स बताएं कि आपको फाइंड एक्स, वो एक्स सच दैट, फिर से सवाल है ये आपके लिए, सच दैट लॉग आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस प्लस आपका मान लो कि प्लस लिखा हुआ है सिक्स एग्जिस्ट, ये वाली पहले चीज एग्जिस्ट करे, पहले इसके लिए लॉग आपको बताना है कि पहले तो वो एक्स बताना है जिससे कि ये पूरा लॉग अपनी अपना को जिंदा रख पाए।
पहले अगर ये पूरा लॉग अपने को जब जिंदा रख पाएगा तभी हम इसको आगे की चीज कह पाएंगे कि हाँ अब हम यहां से बता सकते हैं कि लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी के जो बाकी प्रोसेस है वो आप काम कर सकते हैं। पहले इसको लॉग को जिंदा किया जाए। जिंदा करने के लिए पहला काम देखो, जैसे ही हो तो लॉग की अपनी परेशानी होती है, लॉग की अपनी प्रॉब्लम पूछा, बोला कि भाई हमारे अंदर जो ये एन है ना, एन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स जो ये एन है ना, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। दूसरी परेशानी इसकी क्या है कि भैया जो ये a है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तीसरी परेशानी इसकी क्या है बच्चों, कह रहे कि a जो है ना ये बेस जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू वन होना चाहिए। हमने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, आओ तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या करेंगे भाई फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते ही एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू, ये तो हजारों बार हो गया होगा तो ये तो अब रट गया होगा। यहां से आपका नंबर लाइन सिस्टम ये टू थ्री पुट किया, प्लस माइनस प्लस, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करना है तो एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन थ्री से इनफाइनाइट। आई बात बच्चों समझ में? ये तो पहला वाला आया। सेकेंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो इसको फैक्टर मारा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन खींचा वन और माइनस वन दो नंबर्स आए, प्लस माइनस प्लस ये फिर से ये आपका चला गया, अगेन एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। तीसरा वाला क्या कह रहा है भाई, तीसरा आपने क्या किस बात पे चर्चा कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू टू, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस रूट टू के बराबर नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीनों का फिर क्या इंटरसेक्शन बताओ। तीनों का इंटरसेक्शन सवाल हटा देता हूं, दोबारा वहीं पे मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं। तीनों का इंटरसेक्शन मैंने सवाल दिया हटा, तीनों का इंटरसेक्शन अब करेंगे। देखो मैंने सवाल दिया हटा, आओ बात करते हैं इंटरसेक्शन। तीन का इंटरसेक्शन करना है तो हम अभी भी यही काम करेंगे, पहले हम तीनों को लिख लेते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं पहले तीनों को लिख लेता हूं। एक आया है अपना माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन थ्री से इनफाइनाइट, दूसरा आया है एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, तीसरा आया है एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, ये तीन बात आई हुई है। चलो देखो, पहले हमने अगर मैं पिंक वाले चौक का यूज करता हूं तो पहले यहां कहीं टू और यहां कहीं थ्री, ये कह रहा है कि तीन से आगे दुनिया है इसकी और दो से पीछे की दुनिया है, ये दो दुनिया है और तीन और दो पे ये तो एकदम बर्बाद है। फिर अगला माइनस वन, क्या माइनस वन दो से बहुत बहुत पीछे होगा क्या, तो माइनस वन दो से बहुत बहुत पीछे हो गया, तीन आपका एक जो है कि तीन से भी पीछे होगा तो यहां कहीं, अच्छा एक क्या तीन से क्या, वो तो ये दो से भी पीछे होगा एक, यहां कहीं माइनस वन में अलग 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 चौक, यहां कहीं माइनस वन और एक तो कहीं आपका दो से भी पीछे होगा एक। तो कह रहा है कि भाई इसके पीछे की बात करो आप और इससे आगे की बात करो, देखो इससे आगे की बात करो ये, ठीक है। तीसरा वाला व्हाइट चौक पे यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस रूट टू, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है बोलो बोलो क्या होती है, प्लस माइनस 1.414 की बात होती है क्या, मतलब दो से कम और एक से ज्यादा की बात कर रहा है क्या, तो यहां कहीं आपका यहां कहीं रूट टू आएगा क्या। इसको छोड़ के आगे देखो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये पूरा बना दिया हमने ये, और कहीं माइनस रूट टू ये पीछे आएगा इसके कहीं माइनस रूट टू, तो इसको भी ये वाली दोनों चीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ ले लेना है। अब देखो ये पूरा एक ही में सब थोड़ा सा मिक्स हो गया है, दोबारा बनाते हैं इसी चीज को, दोबारा रिटर्न करते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियरली देख सको। दोबारा देखो बना रहा हूं मैं पूरा का पूरा, दोबारा बना रहा हूं कैसे कि फिर से हमने क्या किया, ये खींच लिया इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। अब जरा देखो बच्चों,
यहां हमने कहा कि यहां कहीं तीन है और यहां कहीं आपका कहीं यहां पे दो है, तीन से आगे बोला है पहली बात और दो की पीछे की दुनिया इसकी है, बस पहले वाले की ये पूरी दुनिया है। दूसरे वाले की दुनिया क्या है, तो वन से आगे, कहीं यहां वन है, वन को छोड़कर वन से आगे की पूरी दुनिया और माइनस वन से पीछे की पूरी दुनिया, माइनस वन से पीछे की पूरी दुनिया इसकी। देखो माइनस वन से पीछे की पूरी दुनिया, हमने कहा ये आपका पीला वाला येलो वाला इधर कहीं आपका माइनस वन से पीछे की दुनिया है ये देखो। अब इसके बाद आपका कह रहा है कि प्लस माइनस रूट टू 1.414 व्हाइट चौक से देखो यहां पे कहीं रूट टू होगा, तो कह रहा है इसको छोड़ के बाकी सब जगह आप ले लो और यहां कहीं आपका है माइनस रूट टू, इसको भी छोड़ के सब कुछ आप ले लो, यहां पे ये वाली चीज छोड़ के सब कुछ ले लो आप। बोलो बात समझ में आई। अब तीनों का इंटरसेक्शन करना है, क्या करना है तीनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो चीज लेना है जो इनमें से कॉमन हो, और कॉमन तीनों में कॉमन का मतलब जहां पे तीनों लाइन दिख रही हो। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं व्हाइट भी है, येलो भी है, पिंक भी है, कहां तक है रूट माइनस रूट टू तक है, माइनस रूट टू पे देखो ये यहां पे गायब है, तो क्या आया अपने को आंसर लिखने जा रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू तक यूनियन, फिर रूट टू से माइनस वन तक। देखो ये तीनों है, देखो तो यहां पे येलो पिंक और व्हाइट तीनों है, मतलब माइनस रूट टू से माइनस वन तक अगेन यूनियन, फिर इस बीच में येलो नहीं है, यहां पे है वन से लेके रूट टू तक है, वन से लेके रूट टू तक है तीनों, देखो तो वन से लेके रूट टू तक देखो ये पूरा ही है, देखो ये भी है व्हाइट वाला, यहां भी है, यहां पे नहीं है बस यहां, फिर रूट टू से लेके आगे देखो तो रूट टू से लेके रूट टू तक तीनों है, फिर आपका तीन से आगे तीनों है, इतना ज्यादा आया है इस बार रूट टू से लेकर टू तक यूनियन तीन से लेके इनफाइनाइट तक। देख लो बच्चों, अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप देख लो ध्यान से, हो सकता है कहीं से देखने में गड़बड़ी हुई होगी, फिर दोबारा मिला लेते हैं क्या, माइनस इनफाइनाइट से आते आते माइनस रूट टू तक आए, फिर माइनस रूट टू से यहां पे भी है, यहां पे भी है देखो पिंक, यहां पे येलो यार, यहां पे ये, तो माइनस रूट टू से माइनस वन तक आया, फिर हम आगे आए तो यहां से देखो वन से लेके रूट टू तक देखो पिंक येलो व्हाइट वन से लेके रूट टू, फिर यहां पे रूट टू से लेके टू तक भी तीनों है, तो रूट टू से लेके टू तक है, फिर आपका आगे आया यहां पे पिंक नहीं है लेकिन यहां पे फिर से पिंक है तीन, ये पूरा पिंक है तीन से लेके इनफाइनाइट तक हो गया। बोलो बात समझ में आई, ये पूरा हमने क्या निकाला लॉग के एग्जिस्टेंस का। और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर मैं लिखूं, आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं लॉगरिथमिक का ही। आई होप इसको आप पहले इसको आप नोट कर लो, नोट करने के बाद आओ अगले सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लॉग के एग्जिस्टेंस का ही, कि लॉग 5 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस 3 का एग्जिस्ट, फाइंड एक्स सच दैट लॉग एग्जिस्ट, ऐसे फाइंड करना है कि लॉग एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले जैसे आया आपके सामने, जैसे ही आया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि सर जी एन ढूंढ के बता दो, हम कहेंगे हम क्या ढूंढ ले, इतने आलसी हो गए कि ढूंढ, हम ही एन ढूंढ ले तुम्हारे लिए, एन ढूंढो क्या है, एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 3, और आपने एन ढूंढा तो बोला सर जी एन ढूंढने के बाद क्या किया हमने, ग्रेटर देन 0। दूसरा पॉइंट क्या किया कि ए बता दो बच्चों, ए एक्स माइनस, अरे ए नहीं स्मॉल वाला ए, बेस कौन है ये, ए नहीं, ये एजी ओजी वाला ए नहीं, तो ये है क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तीसरा काम ये a इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये भी नॉट इक्वल टू 1, ये तीनों के लेके फिर क्या करेंगे इंटरसेक्शन, और तीनों को सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 फैक्टर आपका एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1, यही फैक्टर होगा, आप निकाल लेना बच्चों
फैक्टर निकालना आ गया होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमको टाइम वेस्ट करना चाहिए। यहाँ से नंबर लाइन सिस्टम माइनस वन तीन प्लस माइनस प्लस ये आपका ऐसे आया, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन थ्री टू इनफाइनाइट। आई होप समझ गए होगे इस चीज को। दूसरा क्या था, दूसरा यहां लिखता हूं, दूसरा यहां था क्या है, फाइव माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस से कॉमन कर लिया तो एक्स माइनस फाइव लेस ग्रेटर देन जीरो। एक्स माइनस फाइव माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया लेस देन जीरो। एक्स लेस देन फाइव, एक्स बिलोंग टू पांच से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट से पांच तक चला गया। तीसरा क्या बोला है, तीसरा भी इधर ही निकाल देता हूं। तीसरा क्या बोला है, तो 5 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। x उधर गया तो आपका इधर 4 बच गया और इधर आपका बच गया x, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर नहीं चाहिए, 4 के बराबर। तीनों का क्या करना है अपने को बच्चों, बोलो तीनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे। पहला इसकी दुनिया कहां से कहां तक है इसकी दुनिया बच्चों बताओ तो ये देखो कहीं कह रहा है कि माइनस वन से तीन के बीच में, तो तीन से आगे मतलब तीन से इनफाइनाइट बोला है, कूदते कूदते चला गया और ये लहराते लहराते तेरी लहराते यहां यहां आ गया। अच्छा आगे पहला क्या बोला है, पांच से छोटा, पांच कहीं इधर कहीं होगा, पांच कहीं इधर होगा, इसको पांच से छोटा देखो तो बच्चों। दूसरा क्या बोला, फिर चौथा तीसरा क्या बोला है, चार को छोड़कर तीन से पांच के बीच में कहीं चार होगा, चार को छोड़कर सब कुछ, पूरी दुनिया ही लुटा दिया चार ने तो, कि हमको छोड़ के सब कुछ ले लो, पूरी दुनिया लुटा दिया, क्या दयावान है, चार को छोड़ के सब कुछ। तो ये हो गया। अब जरा देखो तो यहां पे हम अब इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन, और लूटने वाले ने खूब लूटा, क्या क्या लूटा देखो, माइनस इनफाइनाइट से वन तक इसको तीन तीन दिखा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन, इतने दूर में थोड़ा सा बर्बाद हुआ नहीं उसको दिखा, लेकिन तीन से चार में फिर तीन तीन दिखा, तीन से चार में फिर तीन तीन लाइंस दिखी, फिर चार से पांच में फिर तीन तीन लाइंस दिखी, चार से पांच, फिर पांच से आगे कौन रोक लिया, ये व्हाइट वाली लाइन रोक लिया कि पांच से आगे नहीं जाना है। तो ये फाइनली आया माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन, तीन से फोर, फोर से फाइव। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, ये अभी लॉग के एग्जिस्टेंस पे हम सवाल कर रहे हैं, ज्यादा अभी आगे इधर उधर का नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एक दो सवाल लॉग के इनइक्वालिटी पे करते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे करते हैं, अभी तो लॉग के एग्जिस्टेंस का किया हमने, तो हमने जब लॉग के लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बात करेंगे। और जरा देखो, फॉर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी यहां पे भी हट गया है क्या, इनइक्वालिटी फॉर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या करना है बच्चों को, बच्चों पहले पहला काम, पहला इंपॉर्टेंट काम, फर्स्ट या पहले स्टेप में लिखता हूं, स्टेप वन। देखो ये बहुत ही यही बात है ना कि बस क्या होता है हमसे, हम जाते हैं यहां आते हैं तो हो जाते हैं घबरा जाते हैं, हो जाते हैं परेशान, और जब हुए परेशान तो मिलेगा कुछ नहीं अपने को, क्योंकि कुछ भी है नहीं आसान, जब हुए हम परेशान तो कुछ भी है नहीं आसान, इसलिए मिलेगा कुछ नहीं आपको। फिर क्या करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्या करेंगे, हमने पढ़ लिया कि लॉगरिथमिक की एग्जिस्टेंस की वैल्यू एक्स निकालना है, तो जैसे ही आया लॉग का सवाल तो सबसे पहले लॉग का सवाल आया तो गलती से बचना है ही, क्योंकि दूसरा कोई च्वाइस नहीं है, तो गलती से बचने के लिए पहले एक काम करेंगे, पहले सबसे पहले इसके एग्जिस्टेंस के लिए हम फाइंड कर लेंगे एक्स, फर्स्ट फाइंड एक्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग, लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए फाइंड करेंगे स्टेप सेकेंड, फिर वही काम, इफ नाउ रिमूव लॉग, कीपिंग इन माइंड आप बेस को ध्यान में रखते हुए आप लॉग को रिमूव करेंगे। कैसे बेस को ध्यान में रखते हुए लॉग को रिमूव करना है बच्चों, कि इफ वही वाली बात, इफ अगर बेस आपका एक से ज्यादा देन डोंट चेंज
डोंट चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी इफ बेस लेस देन वन देन चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी तब हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं सवाल लेता हूं, देखो आओ मैं सवाल लेता हूं। अच्छा इसके बाद एक और स्टेप लिख देते हैं, सवाल लेने से पहले एक और स्टेप इसमें छोड़ देते हैं फाइनल स्टेप। फिर क्या करना है अपने को, फाइनल स्टेप क्या है अपने पास, फाइनल स्टेप स्टेप नंबर थ्री क्या करना है कि पहले वाले से हमने निकाल दिया x की वैल्यू, दूसरे वाले से हमने log को सॉल्व किया और जो भी आंसर आया नाउ टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल जो भी चीजें हैं उन सब के जो भी आया हुआ है एक सब का इंटरसेक्शन लेंगे, या नाउ इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ये से भी हम बोल सकते हैं। तो आओ जरा सवाल पे बात करते हैं। आओ हमारा क्वेश्चन है पहला सवाल बेहद आसान लल्लू से सवाल है कि 1/3 x माइनस 1 लेस देन लॉग बेस 1/3 x माइनस 4, ठीक है, या ये 2x माइनस 4 आपको बताना है फाइंड x लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। बहुत ज्यादा इस पे हम जोर नहीं देंगे, क्यों नहीं जोर देंगे बता दे रहे हैं, क्योंकि जो 11th में जितना यूज करने लायक वो पूरा देंगे, बाकी 12th के फंक्शन में दोबारा इनका हम रेंज डोमेन बहुत कुछ निकालेंगे। ये तो अभी रेंज डोमेन हम निकाल ही नहीं रहे हैं, और जब आप 12th में जब इसको यहां सीख गए रहोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो डोमेन बड़ा आसान था, हमने डोमेन के लिए बहुत काम किया हुआ है। तो ये हो जाएगा यहां से, तो देखो सबसे पहले तो लॉग की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, फर्स्ट यानी चेक एग्जिस्ट स्टेप वन क्या है, फर्स्ट चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग लॉग के एग्जिस्टेंस का चेक करना होगा। तो क्या करेंगे आपको, फर्स्ट फाइंड चेक की जगह पे फाइंड क्या है अपना, तो भाई पहले वाले लॉग को परेशानी है ग्रेटर देन जीरो, यहां से आया एक्स ग्रेटर देन वन, क्योंकि देखो यहां से देखो क्योंकि बेस तो सब सेम है, बेस एक के बराबर भी नहीं है और पॉजिटिव भी है। दूसरा वाला 2x-4 इसको भी दिक्कत है, ग्रेटर देन जीरो मतलब x-2 कॉमन हो गया 2, ग्रेटर देन जीरो 2 से डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई x ग्रेटर देन 2, एक ये आ गया एक x ग्रेटर देन 1 आ गया। स्टेप सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया। अब आप सोचोगे कि सर जी अभी एग्जिस्टेंस वाले सवालों में आपने तो तीन तीन चीज करवा रहे थे कि एक बार n फिर a तीन बार करा रहे थे, इसमें कहा नहीं आप तीन बार कराए भाई, ऐसा कहा हो गया कि यहाँ पे आप तीन बार करीबे नहीं किए, मतलब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, पर क्या हुआ है देखो ध्यान से, क्या हुआ है यहाँ पे कि इस बार बेस ऑलरेडी एकदम सेट फॉर्मेट में था, बेस में एक्स नहीं था, ऑलरेडी बेस एक से यानी बेस के बारे में बात करें तो जो ए है वो a=1/3 वो पॉजिटिव भी है एंड not=1 भी है, तो ये not=1 है तो इस पे हमको सोचना ही नहीं है, सीधे आ जाते हैं किस पे, स्टेप नंबर अब 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई आपने ये तो कर लिया, अब एक काम कर लें आप, इनके बेस को आप अब हटाएं, लॉग का बेस चेक करें, बेस कैसा है, बेस इसका एक से कम या एक से ज्यादा, बेस इक्वल टू 1/3 एक से कम, अगर एक से कम है तो क्या करेंगे अब बेस आप हटा दीजिए, अगर बेस हमने हटा दिया यानी अब लॉग हटा दिया तो हटाते समय इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसकी इनइक्वालिटी हम चेंज कर देंगे। देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे, इधर जो थियोरी वाला पार्ट लिखा हुआ वो मैं हटा दे रहा हूं, आप लिख लो फटाफट, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप जल्दी से लिख लो बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हमें सवाल बनाना है।
और सवाल सीखना ज्यादा जरूरी है थियोरी वगैरह से। थियोरी तो यह है कि रटना थोड़ी है, मैथ्स में कोई रटने वाली बात नहीं, हम तो बस लिखा देते हैं, लिखने वाला कोई चीज होता ही नहीं है मैथ में। मैथ में तो टीचर बस पढ़ाते जाए, आपको सोच से देखते जाना है और घर पे जाके दोबारा उन चीजों को करना चाहिए कभी भी। तो आगे क्या हो गया, तो अब मैं हटा दूंगा तो बच जाएगा एक्स माइनस वन और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर। एक्स को उधर लेके जाएंगे, चार को इधर लेके जाएंगे, तो इधर हो जाएगा चार माइनस एक हो जाएगा, ये टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तीन ग्रेटर देन एक्स बचेगा, मतलब एक्स लेस देन तीन हो गया, तो तीन अपने पास आ गया। एक ये और स्टेप फर्स्ट का क्या आया था, एक्स ग्रेटर देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन टू, तीनों का ले लेते हैं इंटरसेक्शन। कैसे सर जी, यहां कहीं लिखा है तीन, तीन से छोटा आ जाओ दौड़ लो, एक से बड़ा यहां कहीं वन है, वन से आगे कह रहा है दौड़ लो, हमें दौड़ा दिया। एक कह रहा है टू, टू से बड़ा, देखो इसको भी दौड़ा दिया। बोलो तीनों लाइन कहाँ है, तीनों लाइन कहाँ है, देखो टू से माइनस इनफाइनाइट से इधर आने में नहीं, एक ही लाइन है, वन से लेकर टू पे दो ही लाइन है, टू से थ्री पे एक दो तीन, तीन से आगे एक दो, दो ही लाइन है। मतलब क्या इंटरसेक्शन हुआ, टू टू थ्री, ये आंसर होगा। अब जो पहला सवाल मैं कराया था ना, अब आप उसको बना सकते हो, पहला सवाल आप बना सकते हो कि सर जी उसका आंसर क्या होगा। कई बार ऐसे होगा कि आपको, आपको कई बार ऐसे होगा, यही एक बार नहीं कई बार ऐसा होगा कि आपको मिलेगा ही नहीं, क्या नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन। कई बार ऐसा होगा कि इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, आप उन सवालों पर भी बात करते, कुछ और सवालों पर बात करते हैं, इंटरसेक्शन मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं।